खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत कई अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी, छतें गिरने से मुतादिद जानवर भी हलाक। लोअरदीर में बारिश से लैंडस्लाइडिंग, तोदा मकान पर गिरने से तीन अफराद जा बहक। बाजोड़ में कच्चे मकान की छत गिरने से तीन बच्चे लुकमा अजल बने। बटबेर में मर्दान में मकान की छत गिरने से दो बच्चियां जान गंवा बैठी। मालाकंड की तहसील बटखेला में माँ और बेटे की जिंदगी का चिराग गुल हो गया। सबसे ज्यादा बारिश दीर में 93 मिलीमीटर रिकॉर्ड। स्वात और कोहाट के नदी नालों में तो ग्यानी। गजर, आजाद कश्मीर, मालम जब्बा, कलाम, लवारी टनल, पारा चनार में बर्फबारी से जमीनी राबता मुनकता। निजाम जिंदगी मफलूज, लैंडस्लाइडिंग से शाराए कराकरम कोहिस्तान 7 मकामात से बंद। मुसाफिर फंस गए, गिलियात में बर्फबारी के बायस तालीमी इदारे 5 दिन के लिए बंद। पंजाब और बलोचिस्तान में भी बारिशों से मुश्किलात। मस्तूम, पशीन, किला अब्दुल्ला, जियारत में बारिश। कल लात में हल्की बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गवादर में तूफानी बारिश का पानी घरों में दाखिल। मवासलात और निजाम जिंदगी दरहम बरहम। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। कराची में बारिश के बाद सर्द हवाओं का राज, ठंड बढ़ गई। शहर में बारिश का इम्कान नहीं, हवा 30 से 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने का इम्कान। दर्ज हरारत 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। नया वजीर आजम कौन, फैसला कल होगा। शहबाज शरीफ इत्तेहादियों के उम्मीदवार, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब भी मैदान में। कागजाती नामजदगी आज जमा कराएंगे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, एमकेएम समेत इत्तेहादी जमातों का वफ शहबाज शरीफ के कागजाती नामजदगी जमा कराएगा। कागजाती नामजदगी 2 बजे तक सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास जमा होंगे। कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल स्पीकर ऑफिस में सुपहर 3 बजे होगी। सदर मुमलिकत के इंतखाब का मरहला शुरू। आसिफ अली जरदारी के इस्लामाबाद हाईकोर्ट और सिंध हाईकोर्ट में कागजात नामजदगी जमा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कागजात नामजदगी जमा। जांच पड़ताल जारी। 4 मार्च को सदारती इंतखाब के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी होगी। सेनेटर्स, अरकान कौमी असम्बली और मेम्बरान सूबाई असम्बली 9 मार्च को वोटिंग में हिस्सा लेंगे। स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई की जेर सदारत बलोचिस्तान असम्बली का अजलास। कायदे अवान के इंतखाब का अमल जारी। सरफराज बुगती एतमाद का वोट लेंगे। अरकान असम्बली की सरफराज बुगती से मुलाकात। सियासी सूरत हाल से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज हल्प उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की निगरा काबीना तहलील। गवर्नर गुलाम अली ने समरी पर दस्तखत कर दिए। सैनेट की 6 खाली नशस्तों पर पोलिंग 14 मार्च को होगी। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2, बलोचिस्तान की 3 खाली नशस्तों पर इलेक्शन होंगे। वोटिंग का अमल कौमी असम्बली, सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियों में होगा। नशस्तें सेनेट अरकान के दीगर ऐवानों में मुंतखब होने पर खाली हुई थी। कागजात नामजदगी आज और कल जमा करवाए जाएंगे। 5 मार्च को स्क्रूटनी होगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील 7 मार्च को की जा सकेगी। 10 मार्च को उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। रवां साल की दूसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 3 मार्च तक 5 साल तक की उम्र के 4,35,00,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। गजा में इजरायली फौज के वैशियाना हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 193 फलस्तीनी शहीद और 920 जख्मी। गजा के अस्पतालों में गजाई किल्लत के शिकार मजीद 4 बच्चे दम तोड़ गए। तादाद 10 हो गई। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में पैराशूट्स के जरिए दूसरी बार इमदादी सामान गिराया गया। गजा में इमदाद के लिए जमा फलस्तीनियों पर इजरायली शेलिंग की नई वीडियो सामने आ गई। 7 अक्टूबर से इजरायली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 30,228 हो गई। अमरीका का गजा में इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर हमला करने पर इसराइल की मजम्मत से गुरेज। सदर बाइडन ने गजा में फजा से इमदादी सामान गिराने का ऐलान कर दिया। इतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने मुलाकात में कहा कि गजा को पहुंचने वाली इमदाद नाकाफी है। इटली की वजीर आजम ने मशरक़ वुस्ता के बहरान का वाहिद हल तवील मुद्दती पायदार अम का क्याम करार दिया। कहा अमरीका और इटली को 2 रियासती हल के लिए ठोस इकदाम पर मिलकर काम करना चाहिए।
एलन मस्क ने चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई और सीईओ सैम एल्टमैन के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। दावा किया ओपन एआई को गैर मुनाफा बख्श बुनियादों पर काम करने के लिए कायम किया गया था। अमरीकी रियासत शुमाली कैलिफोर्निया के पहाड़ी इलाकों में बर्फबानी तूफान से शराहें बंद। नेवादा स्टेट लाइन पर बर्फ हटाने का काम शुरू। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक 12 फीट तक बर्फबारी हो सकती है। बर्फबारी इतवार तक जारी रहेगी। कनाडा के सूबे अल्बर्टा में भी शदीद बर्फबारी, बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी। पीएसएल 9 का मेला आज रावलपिंडी में सजेगा। दो मैच खेले जाएंगे। पेशावर जर्मी और लाहौर कलंदर्स में दिन 2 बजे जोड़ पड़ेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर शाम 7 बजे आमने सामने होंगे। बलोच कल्चर डे, बलोच सकाफत के मुख्तलिफ पहलू और रंग उजागर। पगड़ी, रवायती चप्पल, कढ़ाई वाले मलबूसात और नौजवानों का खसूसी रक्स, बलोच सकाफत के अकास। कोयटा समेत बलोचिस्तान और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद।